तो क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? और अगर आप लोग भी शाओमी के फैन हो या फिर खासकर पोको के फैन हो तो आज इस वीडियो के अंदर मेरे पास आप लोगों के लिए काफी कमाल की न्यूज है। क्योंकि हाँ भाई साहब, पोको वाले काफी जल्द इंडिया के अंदर एक नया फोन लॉन्च करने वाले हैं और ये फोन हो सकता है आपको पोको X3 के नाम से लॉन्च होता देखने को मिल जाए। और वैसे हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक कंपनी ने इस बात को कन्फर्म नहीं किया है कि कब ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। लेकिन अगेन, लीक्स और रूमर्स का मतलब काफी जल्द ये फोन आपको इंडिया के अंदर लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो पोको X3 को लेके तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहना। और स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई बकवास की जल्दी से इस वीडियो को। मैं हूं ऋषभ और आप लोग देख रहे हो ऋषभ टैग। अब वैसे पोको के बारे में बातें कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोको X3 तो आपको आने वाले टाइम के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। लेकिन ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आपको 10-11 हजार रुपए का एक बजट सेगमेंट का पोको का फोन इंडिया के अंदर लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्त, अगर आपको इस फोन के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बातें कर लेते हैं पोको X3 के बारे में। वेल, अब जैसे कि हम सब जानते हैं इस फोन का जो प्रीडिसेसर है पोको X2 की, यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ, फिलहाल अभी भी इंडियन मार्केट में काफी कमाल का परफॉर्म कर रहा है। इवन मैं भी आप लोगों को काफी दफा उस फोन को रिकमेंड कर चुका हूँ। इवन आज की डेट में भी मेरे ख्याल से 18-19 हजार रुपए में वो फोन एक काफी कमाल का फोन होने वाला है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। लेकिन जहां तक बात आती है पोको X की, तो यार ऑन पेपर जैसे इस फोन के स्पेक्स नजर आ रहे हैं, हाँ भाई साहब, ये बात मैं आपको अभी से लिख के दे सकता हूँ कि ये फोन टोटली पैसा वसूल होने वाला है। अब वैसे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे हो, अभी कुछ टाइम पहले ये फोन FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट किया गया है। जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इस फोन की जो पहली चीज लीक की गई है वो ये है कि इस फोन के साथ सबसे पहले तो आपको एक 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि अगेन काफी औसम बात होने वाली है। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस फोन के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहे इस रेंडर की तरफ नजर डालो, जो कि अगेन काफी ज्यादा औसम नजर आ रहा है। अब देखो, इस रेंडर का कोई भी ताल्लुकात नहीं है असली आने वाले पोको फोन से, लेकिन फिर भी भाई अगर ये फोन इन रियल लाइफ इस रेंडर के थोड़े भी करीब आ पाता है तो मेरे ख्याल से डिजाइन के मामले में काफी कमाल का होने वाला है ये फोन। खैर, अब जहां तक बात ही आती है पोको X3 के साथ मिलने वाली और काफी कमाल की चीजों की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो इस बात की यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि इस फोन के साथ या तो आपको डायमेंशन 1000 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताने की तरफ है। अगेन ये मीडिया टेक की तरफ से आने वाला एक फ्लेक्सिप लेवल का SoC होने वाला है। अब वैसे ऐसा हो सकता है कि जब पोको वाले इस फोन को इंडिया के अंदर लॉन्च करें तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो वेरिएंट्स लॉन्च होता देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको एक पोको X3 प्रो और X3 भी लॉन्च होता देखने को मिल जाएगा। X3 प्रो के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस बात के कुछ चांसेस हैं कि आपको डायमेंशन 1000 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये बेसिकली एक रिब्रांडेड फोन होने वाला है Redmi K30 Ultra का। और यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग स्पेसिफिकेशंस को भी मैच करके देखते हो, खासकर बिल्ड क्वालिटी और लुक्स को भी अगर आप लोग देखते हो, तो दोनों फोन यहाँ पे काफी कुछ सिमिलर देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। तो अगेन ऐसा कुछ होने के यहाँ पे कुछ चांसेस हैं। लेकिन हाँ दोस्त, जहाँ तक बात आती है स्टैंडर्ड पोको X3 की, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई देखो, ये तो थी अभी तक की कहानी पोको X3 की। अब वैसे यहाँ पे आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ख्याल हैं, आपके ख्याल से ये फोन इंडिया के अंदर किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होना चाहिए भाई, कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो मेरे भाई एक लाइक चपको इस वीडियो पे, चैनल को कर देना सब्सक्राइब उस लाल वाले बटन को दबा के, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चलो फिर, मैं मिलता आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।